बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, अपने घर वालों की भी हेल्प करते होंगे, नमाज़ भी पढ़ रहे होंगे, कुरान पाक की तलावत भी करते होंगे। तो आज हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। हम देखेंगे चिक पी सीड और मे सीड को। ब्रिंग चिक पी एंड मे सीड, ऑब्जर्व दैम एंड राइट कंपेरिजन इन द टेबल प्रोवाइडेड। तो आपने इसमें कंपेरिजन करना है इनका। चिक पी सीड हमारे पास चने का दाना है और मेज़ हमारे पास कॉर्न है, मकई का दाना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे चिक पी हमारे पास डाइकोट सीड है और मेज़ मोनोकोट सीड है। इन दोनों में लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे हम एंडोस्पर्म प्रेजेंट एट अ साइड, एक साइड पर होता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, इस तरह लिखेंगे आप। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इन दोनों का कंपैरिजन में देखेंगे, ड्रा एंड लेबल द डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग सीड। तो आपने इन दोनों की पिक्स बनानी है। मेज सीड की तस्वीर तो आपने ऐसे बना लेनी है, ठीक है, जैसे आप खाते हैं ना मकई का दाना, तो आपने उसकी शेप देखी है। और उसके बाद चिक पी सीड आप बिल्कुल दाने की शक्ल में बनाएंगे, जैसे चने का दाना है। नेक्स्ट पोल्यूशन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पोल्यूशन इन गिवन पिक्चर्स। इन पिक्स को देखकर आपने बताना है कि किस पोल्यूशन की टाइप है इसमें। सबसे नंबर वन पिक्स में देखें वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अब हमने इसकी डिफाइन पढ़नी है। पोल्यूशन की डिफाइन हमारे पास है, एनी हार्मफुल चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। कि हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है किसी भी केमिकल का हवा के अंदर, पानी के अंदर या ज़मीन के अंदर, वो हमारे पास पोल्यूशन है। अब इन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दे बैडली अफेक्टेड द ह्यूमंस हेल्थ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें आप इतना ही लिखेंगे। और उसके बाद इसमें आप और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। देखें वाटर पोल्यूशन जो है, इससे फिशेज़ की डेथ हो सकती है, प्लांट्स में ये डिजीज़ काज करेंगे तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल कम हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह ऑब्जर्वेशन करें। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।